अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। हम गज़ल नंबर 2 जिसके शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, इस गज़ल के पहले 3 अशआर की तशरीह इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिनफ है, इसे उर्दू शायरी की आबरू भी कहा जाता है। और गज़ल जो लफ्ज़ निकला है वो गज़ाल से निकला है और गज़ाल के मानी हिरन के होते हैं। चलिए अब हम पहले 3 अशआर की तशरीह देखेंगे। शायर कहता है कि गदा दस्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। चलिए इस शेर की तशरीह देखते हैं कि शायर कहता है जो फ़कीर होता है वो अहले करम की दाद व बख्शिश से इसकी फयाजी सखावत और दिल्ला दरिया दिली का अंदाज़ा लगाता है, मगर हम दस्ते तलब दराज करने को बासे आर समझते हैं। यानी शायर ये कहता है कि हम अपना हाथ फैलाने में आर महसूस करते हैं, झिझक हासिल करते हैं, झिझक महसूस करते हैं, इसलिए शायर ये कहता है कि हम अपने ही बलबूते और कदम कदम से हासिल किए हुए रिस्क पर इत्तेफाक करते हैं, उन्हें अहले करम की अता व बख्शिश से कोई सरोकार नहीं। हम कसीदे पढ़कर बादशाहों के लिए से दाद तलब नहीं करते। आइए दूसरा शेर देखते हैं। न देखा जो कुछ जा में जम ने अपने, सो एक कतराए मैं में हम देखते हैं। शायर ने इस शेर में सनत तलमी इस्तेमाल की। जम जमशेद का मुखफ़ है। जमशेद ईरान का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। कहते हैं कि उसके पास एक प्याला था जिसमें वो दुनिया के हालात देखा करता था। शायर उसी हवाले से कहता है कि जो बातें जमशेद अपने प्याले में देखा करता है, हम इन तमाम बातों का मतलब एक बूंद शराब में देख लेते हैं। यानी शराब पीने के बाद जो कैफियत तारी होती है, शायर उसमें तमाम हालात का अंदाज़ा लगा लेते हैं जो जमशेद ने अपने प्याले में नहीं देखा है। आइए अज़ीज़ तुलबा अब हम तीसरे मिसरे की तरफ बढ़ते हैं। शायर कहता है गर्ज कुफ्र से कुछ नदी से है मतलब, तमाशाए दीरो हरम देखते हैं। शायर कहता है कि ना उसको दीन से रग़बत है और ना ही कुफ्र से मतलब, वो सिर्फ मस्जिद के और मंदिर से